हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वीडियो ऑन डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर। द सब्जेक्ट कोड इज 22418। आई एम सुवर्णा घाटे, लेक्चरर, एनआईटी पॉलिटेक्निक, नागपुर। अवर टुडेज टॉपिक प्रेजेंटेशन ऑन करंट ट्रांसफार्मर। तो इसके पहले वीडियो में हमने पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग आउटकम। द लर्निंग आउटकम इज आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द कोर्स आउटकम दैट इज यू स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर फॉर द डिफरेंट अप्लीकेशन। तो स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर कौन से हैं और उसका क्या यूज है, क्या अप्लीकेशंस है, ये आपको इस यूनिट से सीखने को मिलेगा। देन द लर्निंग आउटकम इज अंडरस्टैंड द स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर एंड अंडरस्टैंड द करंट ट्रांसफार्मर। तो इस वीडियो से आपको करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है ये सीखने को मिलेगा। देन द स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एंड वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आज हम देखेंगे करंट ट्रांसफार्मर और आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे आइसोलेशन एंड वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले देखते हैं करंट ट्रांसफार्मर। दिस इज द डायग्राम ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। नॉर्मल ट्रांसफार्मर की तरह भी यहाँ पे भी दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। दिस इज द मेन प्राइमरी कंडक्टर। सो सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, और यहाँ पे एक एमिटर यूज करते हैं जिससे आप सेकेंडरी साइड का करंट मेजर कर सकते हो। सो करंट ट्रांसफार्मर बार टाइप कंडक्टर विच बिहेव्स एज अ प्राइमरी वाइंडिंग। दिस इज द बार टाइप कंडक्टर, दिस बिहेव्स एज अ प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर कैरीज अ लार्ज प्राइमरी करंट विच इज टू बी मेजर्स द बार्ज ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो प्राइमरी ऑफ द करंट है वो हम बार, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बार, तो इससे हम मेजर कर सकते हैं। द सेकेंडरी ऑफ द सिटी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, इट इज वाउंड ऑन द कोर। सो सेकेंडरी, ये जो हॉलो कोर आपको दिख रहा है यहाँ पे सेकेंडरी वाउंड है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हम बेसिकली इसे बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो हमें सेकेंडरी साइड में ज़्यादा वोल्टेज एंड करंट मिलेगा। सो द सेकेंडरी ऑफ सिटी इज मेड अप विद द लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड ऑन द कोर। तो आप बोलोगे कि नॉर्मल ट्रांसफार्मर भी तो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करता है, तो हमें क्यों करंट ट्रांसफार्मर यूज करना है। लेकिन करंट ट्रांसफार्मर करंट को क्या करेगा, लिमिट करता है। बेसिकली आप सबस्टेशन अगर देखते हो तो सबस्टेशन में स्टार्टिंग में ही करंट ट्रांसफार्मर लगा होता है, क्योंकि वो क्या करेगा, रिले को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू यानी बाकी इक्विपमेंट्स को डैमेज नहीं करेगा। अगर हाई करंट है तो वो बाकी इक्विपमेंट्स को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। द सेकेंडरी वाइंडिंग इज अ लो करंट वाइंडिंग, हेंस इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्मॉल। जो सेकेंडरी साइड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो क्या ऐसा होगा, कम होगा, क्योंकि इट्स अ लो करंट। जो करंट को क्या कर देता है, ग्राउंडिंग कर देता है अगर ज़्यादा करंट रहा तो करंट ट्रांसफार्मर, ताकि इक्विपमेंट्स डैमेज ना हो। एंड एमिटर ऑफ स्मॉल रेंज इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। दिस इज द एमिटर विच इज यूज टू मेजर द करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर। देन हम देखते हैं करंट ट्रांसफार्मर नेवर ऑपरेटेड विद द ओपन सेकेंडरी। कभी भी करंट ट्रांसफार्मर को हमें सेकेंडरी साइड में ओपन नहीं रखना है। सिटी सेकेंडरी शुड बी नेवर टू बी केप्ट ओपन बिकॉज इट विल कॉज द सैचुरेशन ऑफ कोर टू हाई लेवल एंड वेरी हाई वोल्टेज विल अपियर अक्रॉस द सेकेंडरी विच कैन ब्रेक डाउन द इंसुलेशन। सो अगर आप सेकेंडरी को ओपन कर देते हो तो कोर सैचुरेट करेगा, क्योंकि उसमें से जो करंट फ्लो होगा उस वो जो हाई रहेगा, दैट्स वाई वेरी हाई वोल्टेज विल अपियर अक्रॉस द सेकेंडरी। तो सेकेंडरी साइड के सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा वोल्टेज अपियर होगा, वो क्या करेगा, इंसुलेशन जो होगा ट्रांसफार्मर का उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। अगर इंसुलेशन ब्रेक
डाउन हो गया तो हमारे ट्रांसफॉर्मर में से एडी करंट लॉसेस, क्योंकि कोर में कौन से लॉसेस होते हैं, एडी करंट लॉसेस एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस, तो वो होने के चांसेस भी कैसे रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे. वन टर्मिनल ऑफ सिटी सेकेंडरी इज ऑलवेज ग्राउंडेड फॉर द ह्यूमन सेफ्टी. अगर ज़्यादा करंट आता है तो इक्विपमेंट डैमेज होने के या ह्यूमन को शॉक लगने के चांसेस होते हैं, तो वो क्या करता है, ग्राउंडिंग करता है करंट को फॉर द ह्यूमन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू. द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द करंट हैज लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑन थीन वायर, जो आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा है. सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न्स होता है तो करंट का भी अमाउंट सेकेंडरी साइड में ज़्यादा होगा. सो ओपन अगर रखते हो तो वो डेंजरस होगा. द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ करंट शुड बी नेवर ओपन सर्किटेड, अदरवाइज द EMF विल बी इंड्यूस्ड ऑन द सेकेंडरी साइड. इट विल प्रोड्यूस द एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस. सो इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कोर. सो वो क्या रहेगा, डैमेज कर देगा इक्विपमेंट को, एज वेल एज हाई वोल्टेज अगर फ्लो होता है सेकेंडरी साइड को तो वो भी इक्विपमेंट को डैमेज कर देता है. सो एडवांटेजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर. तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं, दैट इज द पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर एंड करंट ट्रांसफॉर्मर. अगर आपको किसी ने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर बोला तो आपको कंसिडर करना है पोटेंशियल एज वेल एज करंट ट्रांसफॉर्मर. सो क्यों हम यूज करते हैं पोटेंशियल और करंट ट्रांसफॉर्मर, टू मेजर हायर वैल्यू और डायरेक्टली अनसेफ वैल्यू ऑफ करंट वोल्टेज पावर एंड फॉर द एनर्जी सेफ्टी. तो हायर वैल्यू ऑफ करंट को, वोल्टेज को और पावर को मेजर करने के लिए हम सिटी एंड पीटी यूज करते हैं. ऑपरेटिंग मेनी टाइप्स ऑफ रिले फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सिस्टम. सो रिले जो हमें प्रोटेक्शन ऑफ द सिस्टम में यूज करते हैं, उस रिले को ऑपरेट करने के लिए भी हम सिटी एंड पीटी यूज कर सकते हैं. रिजल्ट इन यूज ऑफ सेफ लो नॉर्मल रेंज इंस्ट्रूमेंट एज एमीटर वोल्टमीटर ऑफ एनर्जी मीटर. पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर एंड करंट ट्रांसफॉर्मर का यूज करके आप इस इंस्ट्रूमेंट को लो और नॉर्मल रेंज पे यूज कर सकते हो विदाउट डैमेज हुए बिना. द रेटिंग ऑफ लो रेंज मीटर कैन बी फिक्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द हायर वैल्यू ऑफ पैरामीटर टू बी मेजर. सेवरल इंस्ट्रूमेंट कैन बी कनेक्टेड इकोनॉमिकली टू अ सिंगल इंस्ट्रूमेंट. दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर. तो अब हम देखते हैं समरी. तो इस वीडियो में हमने क्या देखा है, स्पेशल पर्पज ट्रांसफॉर्मर कौन से हैं, देन करंट ट्रांसफॉर्मर क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसको कैसे ऑपरेट करना है, देन हम देखेंगे PO मैपिंग. तो यहाँ से आपका बेसिक नॉलेज क्लियर हो रहा है करंट ट्रांसफॉर्मर के बारे में. देन करंट ट्रांसफॉर्मर का आप माइक्रो प्रोजेक्ट कैसे करोगे, अगर इंडिविजुअली वर्क करोगे तो आपका PO6 सेटिस्फाई होगा. देन PO7 इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग. जब भी आप पावर सिस्टम में वर्क करोगे तब आपको सबस्टेशन पे अगर काम करने का मौका मिला तो आप वहाँ पे पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर एंड करंट ट्रांसफॉर्मर को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, क्योंकि आपको इस वीडियो से वो नॉलेज मिल रहा है. थैंक यू.